हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस एजुकेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1000 तक पहुँचा दें, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 13, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, मतलब अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम जो करता है। जैसे कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी आइडिया, अपने विचार या इमोशन को दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक एक्सचेंज करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द के कॉम्युनस से बना हुआ है, विच मीन्स कॉमन, जिसका मतलब होता है कॉमन। द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझना। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओवर द ईयर्स कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इन अ मेजर वे। कुछ सालों में कम्युनिकेशन का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर एंड अपीयर्स टू बी अ स्मॉलर प्लेस देन बिफोर। पूरा विश्व एक दूसरे के नज़दीक आ गया है, मतलब सभी ऐसा सिकुर के कम्युनिकेशन के कारण सारा विश्व एक दूसरे के सामने आ गया है। डिस्टेंस आर नो लॉन्गर अ बैरियर्स, अब ज़्यादा दूरी कोई रुकावट नहीं है। मतलब पहले ये होता था कि बहुत दूर है कैसे जाएं, लेकिन अब ज़्यादा दूरी कोई रुकावट नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए कोई बाधा नहीं है। वाट एवर हैपन्स इन अ डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी नोन इंस्टेंटली थ्रू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। With the introduction of the printing press, more and more people were gained access to books and newspaper. तो प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ था तो बहुत सारा बुक और न्यूज़पेपर छपना शुरू हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन, दिस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल। पर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। द वेरियस मीडिया ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। नंबर वन, पोस्ट ऑफिस। लेटर एंड पार्सल आर सेंट एंड रिसीव थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक के द्वारा लेटर और पार्सल को भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर इज मेट बाय बेइंग पोस्टेज स्टैम्प। तो लेटर को भेजने के लिए जब खरीदा जाता है तो पोस्टेज या पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्टेज स्टैम्प को खरीदा जाता है। स्टैम्प ऑफन प्रोवाइड एज अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री। स्टैम्प के जो टिकट के अंदर होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें सूचना दिया होता है, संस्कृति या ऐतिहासिक देश, जैसे देश के ऐतिहासिक विषय के विषय में इंफॉर्मेशन रहता है। अर्जेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एंड कुरियर्स। अर्जेंट लेटर जो होता है, जल्दी जब लेटर पहुँचाना होता है तो उसको स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजा जाता है। द टाइम टेकन बाई अ लेटर और अ पार्सल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन डिपेंड। तो लेटर या पार्सल का पहुँचने में कितना टाइम लगता है, वह दूरी पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्थान की दूरी कितना है। अपॉन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस
लेटर या पार्सल भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करता है। जैसे दूर अगर दूसरे देश में भेजना होता है तो वह एरोप्लेन से भेजता है, या एक शहर से दूसरे शहर में भेजा जाता है तो ट्रेन या बस के द्वारा भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट हो गया टेलीफोन। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन को 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था। इट मेड पर्सन टू पर्सन स्पीच पॉसिबल। जब इसकी आविष्कार टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति से बात कर सकता था। वी कैन नाउ टॉक टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा विश्व के किसी भी भाग से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा बात कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है। वायर्स फोन आर टूडे कॉल्ड लैंडलाइन वायर, और वायरलेस वायरलेस फोन आर कॉल्ड मोबाइल फोन। जो वायर वाला फोन होता है उसको लैंडलाइन कहा जाता है, और जब वायरलेस जो बिना तार का फोन होता है उसको मोबाइल फोन कहते हैं। मोबाइल फोन आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन डायरेक्ट कम्युनिकेशन के रूप में पॉपुलर है। दे आर स्मॉल हैंडी डिवाइस दैट कैन बी कैरिड इजली। यह छोटा होता है और हाथ में रखने वाला एक डिवाइस है जिसको आसानी से एक आसान मतलब आसानी से ढोया जा सकता है हाथ में लेकर के। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इज़ अ पॉपुलर मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेज थ्रू मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के द्वारा एसएमएस को भी भेजा जा सकता है। मोबाइल फोन आर ऑल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। तो मोबाइल फोन के द्वारा टेक्स्ट मैसेज को भी भेजा जाता है या प्राप्त किया जा सकता है। पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट, उसके द्वारा पिक्चर और डॉक्यूमेंट को भी भेज सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मोबाइल फोन को जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये रेडियो भी लगता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, म्यूजिक भी होने लगता है, और उसके द्वारा हम लोग पिक्चर भी देख सकते हैं। इसका मतलब कि मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग पिक्चर, म्यूजिक या रेडियो भी सुन सकते हैं। फिर फैक्स। वी कैन सेंड प्रिंटेड मैटर और पिक्चर इंस्टेंटली थ्रू या फैक्स मशीन। इट टेलीफैक्स मशीन कैन सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटेड मटेरियल और पिक्चर। फैक्स प्रिंटेड या पिक्चर को भी फैक्स मशीन के द्वारा प्रिंट या पिक्चर को लिया जा सकता है। और यह इसके द्वारा क्या होता है कि ये टेलीफैक्स मशीन जो होता है यह सेम मतलब जिस प्रकार का जो हैंडराइटिंग लिखा होता है उसको प्रिंट कर देता है, उसी तरह से पिक्चर जो रहता है वो पिक्चर भी आ जाता है। इट वर्क थ्रू टेलीफोन लाइन, यह टेलीफोन लाइन के द्वारा काम करता है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर। ईमेल को से कंप्यूटर के थ्रू ये ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज को कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। मतलब ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। इट मेक यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड डिलीवर्स मैसेज इंस्टेंटली। यह ईमेल को प्राप्त करने के लिए या भेजने के लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑल्सो चीपर देन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। यह टेलीफोन कॉल की अपेक्षा सस्ता होता है। वी नीड एन ईमेल अकाउंट एंड एन ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ईमेल को प्राप्त करने के लिए हम लोग को ईमेल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। मास कम्युनिकेशन।
अब मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, पहले अब हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़े। तो पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, मतलब ये पर्सनल होता है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मास कम्युनिकेशन में एक से अधिक व्यक्तियों तक वो मैसेज को पहुंचाया जा सका है। तो मास कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, मतलब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों तक मैसेज को पहुंचाना। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सभी मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। मतलब जैसे टेलीविज़न में अभी न्यूज़ दे रहा है, या रेडियो में कोई न्यूज हो रहा है, या गाना हो रहा है, या कुछ भी स्पीच हो रहा है, तो एक साथ बहुत सारे लोग सुन सकते हैं। लेकिन टेलीफोन में एक व्यक्ति ही बात कर सकता है और दूसरा व्यक्ति सुन सकता है, तो ये एक साथ नहीं जब नहीं हो सकता है। इसलिए पर्सनल कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस या टेलीफोन हुआ, लेकिन मैगजीन, न्यूज़पेपर ये एक साथ बहुत सारा छपता है और एक साथ बहुत सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बुक्स एंड जर्नल्स वेयर द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, जो पत्रकारिता होती थी, ये पहली मीन्स मास कम्युनिकेशन है। दे आर अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, ये प्रिंट मीडिया का एक पार्ट है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर और मैगजीन पूरे विश्व से मैसेज लाता है। मैगजीन इन जनरल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक सच एज पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, फैशन, इंटरटेनमेंट एंड एनवायरमेंट। मैगजीन के द्वारा या पत्रकारिता के द्वारा बहुत तरह का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे राजनीति का, खेल कूद का, फैशन का, या मनोरंजन का, या एनवायरमेंट का, सभी तरह का न्यूज़ उसमें रहता है। फिर रेडियो, गगलिमो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो को आविष्कार करने वाले गुगलिमो मार्कोनी हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट एज वेल एज अ एजुकेशन। यह इंटरटेनमेंट का एक सोर्स होता है और शिक्षा का भी अच्छा साधन है। रेडियो के द्वारा इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ एंड वार्निंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल कैलामिटीज आर ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो। रेडियो के द्वारा वार्निंग इंफॉर्मेशन मिलता है किसी भी बात की, सतर्कता, जब नेचुरल कैलामिटीज होता है, मतलब प्राकृतिक आपदा, तो रेडियो के द्वारा न्यूज़ बता दिया जाता है। बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपुल बेनिफिट फ्रॉम इट। रेडियो के द्वारा पढ़ा हुआ व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति दोनों को फायदा होता है। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो भी सुन सकते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी, क्योंकि ये इसमें सुनने का काम होता है। रेडियो इज़ पॉपुलर इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। रेडियो अर्बन एरिया में रेडियो रूरल और अर्बन, मतलब शहरी और गांव क्षेत्र दोनों के लिए अच्छे साधन है। टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बियर्ड। जो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बियर्ड के द्वारा किया गया है। इट गेव कम्युनिकेशन अ होल न्यू मीनिंग। टुडे वी कैन वाज लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम सिटिंग एट होम। आज हम लोग टेलीविज़न के द्वारा लाइव भी देख सकते हैं, या पहले का रिकॉर्डिंग किया हुआ भी अपने घर में लाइव देखा जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे तुरंत हो रहा है, और तुरंत टेलीविज़न
उसको दिखा देता है. वी कैन ओनली हियर इंफॉर्मेशन ऑन द रेडियो बट टेलीविज़न अलाउज अस टू सी एज वेल. टेलीविज़न के द्वारा तो सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं, लेकिन नहीं, रेडियो के द्वारा सिर्फ हम लोग सूचना को सुन सकते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को रेडियो के द्वारा सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न को हम लोग देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं अच्छी तरह से. देयर आर मेनी चैनल्स दैट ब्रॉडकास्ट डिफरेंट प्रोग्राम. और टेलीविज़न में बहुत सारे चैनल होता है और जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम देते रहता है. इम्पॉर्टेंट इवेंट सच एज द प्रेसिडेंट्स स्पीच, बजट सेशन एंड इवेंट, बजट सेशन एंड क्रिकेट मैच आर शोज लाइव ऑन टेलीविज़न के अंतर्गत. मतलब टेलीविज़न में जब राष्ट्रपति का स्पीच होता है या बजट सेशन होता है या क्रिकेट मैच होता है तो वो टेलीविज़न में लाइव दिखाता है. विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट व्यूअर्स कैन सीट एट होम एंड वॉच इम्पॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो सैटेलाइट की सहायता से अपने घर में बैठ करके किसी भी प्रकार के इवेंट को विश्व के किसी भी कोने में, कहीं किसी भी भाग में कोई भी घटना घटित हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं. द इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. इंटरनेट बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. इट प्रोवाइड न्यूज़ एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय. इसके द्वारा किसी भी प्रकार के न्यूज़ को तुरंत ही प्राप्त किया जा सकता है. मेल कैन बी सेंट इंस्टेंटली टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और किसी भी विश्व के किसी भी भाग में मेल किया जा सकता है तुरंत ही. द इंटरनेट कीप्स अस अप टू डेट विद द हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एवरी मेजर न्यूज़ चैनल ऑन टीवी हैज़ अ वेबसाइट दैट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम ऑफ कीप आवर सेल्फ अपडेटेड. देयर आर लॉट्स ऑफ सर्च इंजिन्स दैट हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. गूगल एंड याहू आर टू फेमस सर्च इंजिन एंड यूज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. द डे इज नॉट फॉर इवन द वेन द वर्ल्ड विल बिकम अ ग्लोबल विलेज. तो आजकल जो ये हम लोग गूगल या याहू के द्वारा किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को, विश्व के किसी भी भाग का किसी भी बात की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. और ये मतलब इसके आविष्कार से पूरा जो विश्व है वो एक गांव जैसा बन गया है. मतलब ज़्यादा अब किसी भी विश्व के किसी भी भाग की जानकारी तुरंत प्राप्त किया जा सकता है. नेक्स्ट हो गया सिनेमा. फिल्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. फिल्म्स भी एक महत्वपूर्ण मास कम्युनिकेशन है. दे आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड नॉलेज. यह मनोरंजन का, शिक्षा का और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण सोर्स है. डॉक्यूमेंट्री फिल्म आर मेड to spread information about our culture and environment. documentary film जो होता है वह हमारे संस्कृति और हमारे environment का महत्वपूर्ण information देता है. cinema also help us to understand better how people to other countries think and like. cinema के द्वारा हमको समझने में ये इजी होता है कि दूसरे कंट्री के लोग किस प्रकार सोचते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं. एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ और सर्विस टू द पीपल.
एडवर्टीजमेंट भी, इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट मीन्स जो विज्ञापन होता है वह भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविज़न रीच पीपल एंड एजुकेट पीपल अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि, टेलीविज़न आदि में जो देता है उसके द्वारा लोग न्यू प्रोडक्ट या उसके बारे में समझते हैं, सुनते हैं कि न्यू प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये इसका सर्विस क्या है। Nowadays the internet is also used for advertising. अब इंटरनेट के द्वारा एडवर्टाइजिंग का काम किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट आर ऑल्सो यूज फॉर स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस एमोंग द पीपुल हाउ टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। Sometimes advertising help in spreading social awareness about certain issues such as say no to tobacco, don't do drug, etc. तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को सतर्क भी किया जाता है कि टोबैको का यूज नहीं करना चाहिए, ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। लोगों को रोगों से बचाने के लिए भी बताया जाता है कि जैसे अभी जो बीमारी हुआ है कोरोना, उसके लिए एडवर्टीजमेंट रोज दिया जाता है मोबाइल पर, टेलीविज़न पर कि हाथ धोवो, हाथ को सैनिटाइज करो, मुंह पे मास्क लगाओ। तो ये इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट करके लोगों की सहायता की जाती है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आगे दूसरे वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज बताएंगे।